और ऑन ड्यूटी अपने कहीं पर भी फोन करो, धमकियां दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम, और हमारे ना ये जो आम का पेड़ है इसके ऊपर आम पके हुए थे, तो मैंने सोचा कि ना इनको तोड़ देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, फिर ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे और पहली बार यहाँ पे आम लगे हुए हैं इस वाले पेड़ पे, तो थोड़ा सा था कि भी चख के देखेंगे कि कैसे हैं टेस्ट में। तो देखिए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट पक गए हैं और लग रहा है भी बहुत टेस्टी होंगे। ये देसी आम है, कलम तो कराई थी लेकिन फिर भी इनमें देसी ही आम लगे। हम भी चार हैं तो चार ही आम भी लेकर के आए, और देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं और पक चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। तो जैसे ही बच्चे आएंगे ना, उनको दूंगी मैं सरप्राइज, क्योंकि उनकी नज़र थी कि मम्मा नीचे पेड़ पे मैंगो लगे हैं, तो फिर उनको दूंगी मैं। वाह 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 वाह, क्या हो गया जी, आ गए स्कूल से? तो बैग तो नहीं है आपके पास? पीछे आ रहे हैं बैग। अच्छा, और देखा पूरे, मैं बताती हूँ, अच्छा पूरे टाइम पे आप पहुँच गए ना पापा, जो मैंने प्रॉमिस किया था। कितने का बजे का प्रॉमिस किया? 12:30 का किया था प्रॉमिस। 12:30 का? अच्छा, 12:30 पे तो अभी लंच होता है। नहीं, अब मुंह कर रहा है मेरे को ना, मैंने लंच नहीं खाया, मेरे को पता ही नहीं चला कब लंच हो गया। तब तो क्या करता था? कुछ नहीं, बैठा रहा क्लास में और रेडियो पे। कोई नहीं, तो घर पे कर ले, अभी बहुत ज्यादा टाइम। अभी अभी ना बड़ी जोरों से बारिश लगी हुई है, ये देख सकते हो। वंदना, क्या हाल है? और भाई, ये देख सकते हो काफ़ी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। अभी हम अंदर बैठे हुए थे, मैं तो ना सोया हुआ था, तो वंदना बैठी हुई थी, एकदम मैं उठा और बाहर देखा मैंने तो काफ़ी ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। अभी तो मैंने सब्ज़ी लेने भी जाना है, या अभी तो मैंने सब्ज़ी लेने भी जाना है। अब कैसे जाऊँगा भैया, क्या खाओगे? हेलो, दाल रोटी। दाल रोटी, दाल रोटी और भाजी। सुबह संडे है। मैं अभी बस गेट बंद करने ही जा रही थी, तब को देखिए जनाब भी आ गए सब्जी भाजी लेकर के। इतनी बारिश में मना तो कर रही थी फिर जाने की, क्या यार बच्चों के लिए फ्रूट नहीं है ना, तो मैं फ्रूट ले आया। टमाटर भी अभी 200 रुपए किलो है भाई। तो लाते क्यों हो डेली? 250 ग्राम ले आया, मेरे लग कम होने वाले हैं कल या परसों। और ये गोभी लेके आया हूँ और ये नाक लेके आया हूँ। मैंने कहा चलो, मेरा मिठू एक्चुअली कल मैं मार्केट नहीं गया था ना। जो हमारे यहाँ लोकल वाली जो मैंने मीठा दिखाया था ना आपको नाशपति, वो अलग होती है और ये अलग होती है। ये इस तरह से ही होती है ना ये, और वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, लोकल होती है। और जैसे भी मैं बाजार में गया तो एक्चुअली ना टेबल के नीचे यहाँ नियर बाय आधा किलोमीटर में बंदे की पीवी की गाड़ी थी, तो उसके दो बंदे थे, मतलब कि तो पीछे से पुलिस लगी हुई थी और यहाँ की पुलिस गई थी, हमारी सरकार घाट की पुलिस। तो आपकी सरकार घाट की पुलिस तो बिल्कुल खतरनाक है यार, खतरनाक है। जब आ जाए पुलिस, क्या बात कर रही है कोई? हाँ वही बोल रही हूँ, तो कैसी चीज़ है? वर्दी देख के बंदों को डरना चाहिए कि नहीं, वर्दी की रिस्पेक्ट करने चाहिए। फिर यहाँ से मुझे बंदे बता रहे, मैंने क्या हुआ, वो लोग पंजाब से पीछे आए थे, वो यहाँ पे मतलब की चिट्टे की सप्लाई, वो पकड़ा गया उनके काफी सारा, बहुत वो जाके फिर पूछताछ लगी हुई है नीचे के ने, देखो यार चिट्टा क्या बंदे हैं। नशा नहीं करना चाहिए, गंदी बात होती है, जिंदगी खराब होती है, अपनी तो होती है साथ में परिवार की भी होती है। चलो बनाते हैं। चलिए, और ये देखो ये भी लगे हुए हैं पिक्चर देखने सारे, और कौन सी है? टाइटैनिक। और ये भी ऐड आ गई, ये देखो ये है, खुद तो लगे हुए हैं और बच्चों को भी लगाया हुआ है, शाबाश। पिक्चर खत्म होगी भाई, कौन सी पिक्चर थी बेटे? क्या बात, एंड हो गया? नहीं अभी आएगा। और आप बताओ, हो गया एंड? एंड करके ही सोने वाले। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, अपनी फैमिली को भी दिखाता हूँ। एंड गुड मॉर्निंग, और आज है संडे, तो संडे को करते हैं फटाफट से काम काज, क्योंकि संडे को हम उठ जाते हैं थोड़ा लेट। अच्छा, संडे को उठ जाते हैं लेट, तो काम करते हैं फटाफट है। फिर हमारे उठते हैं हमारे काम, मतलब हाथ चलते हैं इतनी तेजी से, ये बस पहले सफाई कर लेना, झाड़ू लगा लें। अच्छा, आजकल पता क्या है,
रात को ही ऐसे जाले बन जाते हैं रातों रात। साफ सफाई का ध्यान रखना, झाड़ू लगाने का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। ओके ओके, चलिए जल्दी से पहुंचते हैं किचन में ना। हाँ बनाते हैं दो करेंगे फटाफट काम। ठीक है, तो ये है आपको मैं मौसम दिखा देता हूँ। मौसम अभी अच्छी खासी धूप लगी हुई है, तीखी वाली धूप लगी हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है और अभी कोई भरोसा नहीं है बारिश लग जाए। तो अभी हम चलते हैं किचन की तरफ, तो बनाते हैं कुछ, देखते हैं क्या है किचन में। झाड़ू लगा रही है, आगे लगाया और बैक साइड को लगा रहे हैं, तो अभी धूप लगी। और ये आपको मैं दिखाता हूँ स्पेशली, ये देखो वहाँ से ना बारिश स्टार्ट हो रही, इतनी ज़ोरों से पड़ी हुई है बारिश। यहाँ पहुँचते थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो आवाज़ सुन सकते हो आप, ये देखो सामने पहुंच गई, ये यहाँ तक तारों तक पहुंची है, अभी नहीं पहुंची है, इतनी जोरों से पड़ी हुई ना बारिश। वो देखो सामने मैं बताऊंगा जैसे आएगी। और ये देखो ये यहाँ पहुंच गई है बारिश। अभी जोरों से बारिश पहुंच गई है यहाँ पे, ये देखो धूप लगी हुई है। हाँ जाले जुले साफ कर दे यार, जल्दी कर दे, रात को ही लग जाते हैं, सुबह सुबह तो वो ही ना। चलो इसके बाद चलिए चलते हैं किचन में। तो आज देखिए हमने क्या बनाया था, आज हमने बनाए थे दाल चावल, क्योंकि संडे का दिन है और ब्रेकफास्ट में बनाया था शीरा, वो मैं शेयर करती हूँ आपको कि किस तरह से बनाया था। तो यहाँ पर आजकल पता ही आपको कि टमाटरों के रेट जो है ना आसमान छू रहे हैं, तो लेकर के आए होते हैं पतिदेव, डाला है इसमें भी टमाटर भी, लेकिन ये कैचअप डाला क्योंकि इनको ना थोड़ा मतलब कलर भी चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा टमाटर आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं ना हम लोग भी। और फिर देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आता है इस कैचअप के यूज़ करने से भी। इसके बाद फिर देखिए हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाला वगैरह जो कुछ भी डालना है आप डालिए। और उसके अलावा देखिए दाल हम बना रहे हैं, ये तीन तरह की दालें हैं, मैं यहाँ पे छान रही थी, ये उड़द की दाल है, मूंग की दाल और चने की दाल। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से धो करके फिर ये लग रहा था तड़का, तो प्रेशर कुकर में तड़का लगाया और यहाँ पर फिर ये बन रहा है शीरा। तो शीरे के लिए ये देसी घी मैं डाल रही थी कढ़ाई में, और हैवी तले वाली कढ़ाई आज मैंने ली थी, क्योंकि इसमें ना काफ़ी अच्छे से बनता है, बिल्कुल चिपकता भी नहीं है और नॉन स्टिक में उतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए ये शीरा जो हमने अभी डाला था ना वो अच्छी तरह से सूख गया है, तो मैंने इसको डिब्बे में बंद करके अब रख दिया है, जब भी मन करे तो फटाफट से निकालो। और फिर इसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड करके इसे बहुत बढ़िया तरह से घोल लेना होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ना कि कितना कर बनाऊँ, मतलब आइडिया नहीं लग रहा था कि हमारे सब के लिए हो जाएगा इससे कि नहीं होगा, तो फिर अंदाजे से मैंने ले लिया। बाकी ये देखिए ये चीनी है, क्योंकि एकदम से घुलती नहीं है ना इसमें, इसलिए मैंने सोचा इसको मिक्सर जार में पहले पीस लेती हूँ, पाउडर फॉर्म में होगी तो जल्दी से पिस जाएगी, पिस नहीं जाएगी मतलब घुल जाएगी। तो यहाँ पे चीनी डाल दी मैंने स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि शक्कर वाली ये कोई भी फिर पसंद नहीं करता ना, फिर मैं ही एक रह जाती हूँ, इसलिए फिर मैंने चीनी ऐड कर दी। और फिर इसमें डालूंगी पानी और बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, तो अच्छी तरह से इसको घोल लूंगी। और दूसरी साइड ये देखिए कढ़ाई में देसी घी डाल दिया था, तो अब इसको ऐड करके फटाफट चलाती जाऊंगी ताकि फटाफट से हमारा शीरा बन जाए और बहुत ही टेस्टी। बड़े जोरों से बारिश लगी हुई है, ये देखो कितना ऊपर से पानी आ रहा है नाले के थ्रू हमारे छत से, बहुत ज़ोरों से बारिश लगी हुई है। और इसी बारिश में ये देखो ये अपने फेस को चमकाने की कर रही है, देखो फेशियल लगाया हुआ है, फेशियल हेयर रिमूव करने की रेमेडी है। अच्छा 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 अच्छा, वंदना भाटवा चैनल पे आएगी देखना, बिल्कुल मत बोलना, 100% जो है ना आपके फेस के बाल रिमूव होते हैं। तो वो ही मैं यही तरीका फॉलो करती हूँ, मैं अदर कोई तरीके फॉलो नहीं करती, ना कोई वैक्सिंग कराती हूँ, ना कोई रेजर, ना कुछ नहीं, बस ये नेचुरल रेमेडी। अच्छा अच्छा, और जी शानवी इसमें कुछ सुनाई दे रहा होगा, वही ना। और भी शानवी क्या हाल है, तो पढ़ाई कर लो, पढ़ाई खाना खा लिया है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, ऐसे आ जाओ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, से मिट्टू का है मिट्टू, आ जाओ ये आ मिट्टू आगे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, ये देख सकते हो। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे बारिश में कहाँ ले जा रहे हो, फिसल जाओगे, मैं भी फिसल जाऊंगा,
अच्छा पेड़ बहुत ग्रो कर गया, एकदम से ग्रो कर गया। ये कौन सा पेड़ है? ये है अखरोट वाला पेड़ है ये। अब मुझे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जाएगा इधर तक आ जाएगा। तो अच्छी बात है ना, जब हम लाए थे तब आपने बोला था कि ये तो वो लाए थे ज्यादा ग्रो नहीं करते पेड़, पर इतना तो हो गई होगा। वैसे भी अखरोट के पेड़ काफी बड़े होते हैं और बरसात में तो वैसे ही काफी ग्रोथ होती है पेड़ों की, पौधों की। तो अच्छी बात है ना, यहीं से तोड़ लिया करेंगे अखरोट। चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो कल आपने कमेंट्स की, अपनी राय दी। तो एक दो कमेंट्स थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कमेंट था कि गवर्नमेंट जॉब बेटर होती है और बाकी तो सब, मतलब बोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब ही होती है। सबसे पहले तो एक चीज पूछना चाहूंगी कि गवर्नमेंट जॉब जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले ही सब कुछ है, बाकी तो सारे रद्दी हैं, उनके लिए जिनकी सोच है। कमेंट एग्जैक्टली ऐसा नहीं था बट बोलने के भाव इसी तरह के थे। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने पहले तो ये चीज दे रखी है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब में सर्विस पे जाओ और ऑन ड्यूटी अपने कहीं पर भी फोन करो, धमकियां दो, जो करना है करो, और घंटा घंटा बात करो फोन पे ऑन ड्यूटी पे। इस चीज की सैलरी मिलती इस चीज की सैलरी मिलती है। काम तो मुझे लगता है नहीं है वो करते होंगे जिनको मैं बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट को थोड़ा मतलब देखना चाहिए ना स्ट्रिक्टली। और गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए सैलरी कहाँ से आती है? हम आम आदमियों के पैसे से ही वो सैलरी आती है, जब टैक्स पे करते हैं, जो रद्दी लग रहे हैं ना, मतलब जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वाले, सबसे ज्यादा टैक्स जाता है वहां से। फिर दूसरे के बाद जो बिजनेसमैन हैं, जो रद्दी लग रहे हैं, उनकी प्रेस्टीज नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, तो वो सारे जब टैक्स भरते हैं ना, हाउस टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, फलाना टैक्स, डिनका टैक्स, बहुत सारे टैक्स, हर जगह GST लगे हुए हैं। अब तो मतलब छोड़ा ही कुछ नहीं है, दूध से लेकर के हर चीज़ पे टैक्स है, GST है। तो गवर्नमेंट जॉब वाले भी टैक्स देते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि भाई वही लोग देंगे, बट जो इतना फिर प्राउड फील कर रहे हैं कि हम ही हम हैं और बाकी कोई नहीं है, तो वहीं से सैलरी दी जाती है। ऐसे गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, अपनी पॉकेट से कहाँ से देगी? वही चीज आती है, वही घूम फिर के हमारी चीजें, हमारे हमारा पैसा हमें मिलता है। और एक चीज बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब वाले सारे टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है? हाँ, सारे नहीं देते, जिनकी सैलरी ज्यादा होंगी वही देंगे, सारे नहीं देंगे जो टैक्स के दायरे में आएंगे। बट बोलने की बात यह है कि फिर इतराते तो ऐसे हैं, मतलब कि जैसे बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट कर रखा है भाई, और जो दिहाड़ी वाला है उसका भी अचीवमेंट उतना ही है। अगर वो दिहाड़ी नहीं लगाएगा, अगर फार्मर अपने खेतों में फसलें नहीं उगाएगा, खाएंगे क्या? तो वही सारी चीजें हैं, तो कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। पहली तो ये दिमाग की जो वो है ना। और दूसरी एक और चीज लिख रहे थे कि भाई अगर मदद करनी हो तो ऐसे करनी चाहिए, एक हाथ से की दूसरे को पता नहीं चले। और जो मदद वाली बात है यार, मैं बताता हूँ, जब हमारा चैनल नहीं था, ठीक है, ये मे भी 2017 की बात है कि 16 की बात है, मैंने खुद अपनी गाड़ी में बंदे की हेल्प की, खुद अपने हेल्प रोड पे बाजार में हुआ कि कुछ सीन हुआ, उस बंदे ने बोला वहां तक बंदे को पकड़ना है, उसके फ्रेंडों को, भाई मैं अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया। बाद में क्या किया, उन्हीं बंदे ने बोला इसी बंदे ने मारा है और केस मेरे ऊपर कर दिया, ये इन्हीं के ऊपर मेरे ऊपर। और मजे की बात बताती हूँ आपको कि उस टाइम पे इनका प्रिंसिपल का टेस्ट क्लियर हुआ था, लेकिन ITI प्रिंसिपल जो मतलब इनका केस इनके ऊपर था, धाराएं लगी हुई थी बहुत संदिग्ध किडनैपिंग की, एक तो बचाई जान फिर दूसरे की किडनैपिंग, छोड़ने गया ले आया उसी की, उसने लगाया कि उस वक्त तो मेरे पास अगर कैमरा होता तो भैया शूट करता, हाँ यहाँ पे ये ले जा रहा हूँ, देखो यहाँ से ये बंदे को बिठा रहा हूँ, ये ला रहा हूँ अपनी गाड़ी में, पेट्रोल खर्च के बेचारे को बचा के भी लाया। और वो उसने बोला मारा पीटा नौटंकी की कम से कम 15-20 दिन हॉस्पिटल में, आप बोलते महीने भर की थी, हमारे एरिया के हैं। अब तो देखो ना, अब आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया कि हम एक एक चीज शेयर करें, अब आज के बाद तो हम जो भी हमारे साथ बीतेगी ना हम शेयर करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत मुश्किल से कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है, नहीं तो फिर देखो एक जॉब तो मतलब नहीं मिल पाई उस चक्कर में, बट ये चीज है, मतलब आपको बता रहे हैं ऐसे। और जो सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग मदद करते हैं, दिखाते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग देख के कि नहीं भी अभी भी इंसानियत जागृत है, लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, भले ही वो कैमरा पे कर रहे हैं बट कर तो रहे हैं ना, देखा ना दूसरों को देख के मदद करते हैं बंदे। हाँ, दिल्ली में जो कांड हुआ ना,
वही एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे हैं कि लोग देख के आ रहे हैं ना वीडियोस, सीसीटीवी कैमरास के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि भाई लड़की को कितना चाकुओं से वो कर करके मतलब मार दिया गया, बट कोई सामने से कितने सारे लोग जा रहे थे, किसी ने उफ तक नहीं की, बोला तक नहीं। अभी लेटेस्ट भी एक हुआ, उसमें भी दिखा रहे हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे वाक्यात हो रहे हैं जो कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रही है ये सब चीज़ें, बट लोग डरते हैं, मदद करने से भी डरते हैं। हमारे साथ तो बीतती हुई है हर एक चीज़, क्योंकि मैंने बोला ना कि तब भी मैं नहीं माना, मैंने कोई बात नहीं है, मेरा तो ये नेचर, जहां मुझे अन्याय दिखता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं हमेशा हेल्प करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अंदर क्यों ना जाना पड़ेगा। फिर तो ये है कि ऐसे डरते हैं लोग, बट देखेंगे तो बाकी उनका हमें नहीं पता, बट हम हैं। जब आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया हुआ है, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जो भी मदद भी करेंगे तो आपके अब दिखा करके करेंगे। इससे पहले बहुत की, बहुत सहन भी किया, लेकिन रिजल्ट आ जाता है जीरो, और बात हो जाती है कि भाई हाँ कोई सबूत नहीं होते, तो फिर हम मतलब वही बात है कि लोग आजकल जमाना बहुत ख़राब है। सच्ची बात ये कि जिसका भला करते हैं ना वही फिर बुरा करने लग जाता है, इसलिए मतलब अब भला भी करना हो ना तो प्रूफ के साथ करना चाहिए। सही बात है, देखो कहीं पर भी अगर कोई बंदा फंस जाता है ना, कोई ऐसा कांड हो गया, आपको पुलिस ने विक्टिम जैसे करते हैं ना, खड़े कर देते हैं गवाही वगैरह ये सब, तो लोग क्यों डरते हैं, क्योंकि उन बेचारों को इतना हराश कर दिया गया होता है कि बेचारे हिम्मत ही नहीं कर सकते, देख के भी अनदेखा करना पड़ता है। देखो क्योंकि सबकी लाइफ है ना, फिर बाद में जब उस पे बात आएगी तो बेचारे उसका साथ कौन देगा, यही चक्कर होता है। तो सारा तो ऐसा है मतलब, और इसका कंक्लूजन ये है कि हेल्प जरूर करो, लेकिन थोड़ा बहुत प्रूफ भी होना चाहिए। आजकल भैया बड़ा जमाना खराब है, जमाना बहुत खराब है, बाद में फिर भुगतना पड़े, इसलिए हर एक, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ ना, तभी बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। चलो वो तो देवी माँ का आशीर्वाद था कि चलो जो भी हुआ सब कुछ ठीक हो गया। चलो बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाकी अगर कहीं पर भी त्रुटि हो जाए, भूल चूक हो तो भाई माफ करना, तो ऐसा है। बाकी आज के बाद हम तो भाई शेयर करेंगे, इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें नहीं शेयर की, बहुत कुछ होता था लेकिन हमने नहीं किया शेयर। हाँ इस तरह से हम जरूर अब आपके साथ शेयर, पर एक्चुअली अभी लाइट गई हुई है तो इसलिए थोड़ा सा काला दिख रहा हूं। अंधेरा है, जो भी बाहर भी मौसम एकदम बादल छाया हुआ है, इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई ना थोड़ी देर पहले, तो ठीक है फिर ब्लॉग लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर ओके बाय।